पर ए, ओ था कि बींदी का नाम से तो गोदान करा देता करा दिया हाँ ठीक हाँ हाँ एक बार जोरदार विधायक साहब की बींदी का नाम सु इक्यावन हजार रुपया गो माता के लिए क्या आवाज जनता सुन वो चाहे तो जोरदार ताड़े बजाओ विधायक साहब के लिए नहीं ठीक आज श्री श्री 1008 आदरणीय परम आदरणीय हम सबके आदरणीय प्रकाश दास जी महाराज के, के चरणों में वंदन करता हूँ सम्मानित मंच सामने विराजमान सभी भक्त प्रेमी आज तो सब भक्त हैं और जैसा महाराज श्री ने बोला है चुनाव के आचार संहिता लगी हुई है ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ न बोलूँगा पर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको राजस्थान में पता कर ले आप अच्छे से इस विधानसभा में गौ चरागा अगर खाली कराने की हिम्मत करी है तो वो आपके इस विधायक ने खाली बीघा बीघा करागा खाली कराया है अतिक्रमण हटाने से विधायक घबराते हैं लेकिन मैं नहीं घबराता बिल्कुल नहीं घबराता मैं हमेशा लड़ता हूं मेरी विधानसभा में केवल एक ही बात मेरे गौ चरागा खाली हो मेरी शमशान की भूमिया खाली हो और हमारे बच्चों के खेल मैदान खाली हो और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे आपका सानिध्य मिला आपका आशीर्वाद मिला और ये बात कहने का मेरा मन हुआ और ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंतर्मन से जो बात निकल रही है मैं भी ये चाहता हूँ हमारी गौ माताएँ बचे और उनके जो सरकार ने चरागा रखे हुए हैं वो उन्हीं के लिए रखे हुए हैं कि कभी राम रूढ़ जाए तो वो अपना पेट भर ले वहाँ जाके और हम छोटे छोटे अतिक्रमण करके और उनके जो पेट पाल रहे हैं उनकी भी हम जमीन हड़प रहे हैं कम से कम इस पर संकल्प लें आज सारे लोग जिसने भी चरागा पे अतिक्रमण किया हुआ उसको बिल्कुल अपने मन से हटा लें असली सेवा और असला असली त्याग वो होगा जो हम यहाँ आज संकल्प लेके जाएंगे इतनी बड़ी विशाल भजन संध्या और ऐसे परम संत जो गौ माता के नाम पे अपने जीवन को लगा दिया जो 10 साल से लगातार गौ माता बचाने के लिए काम कर रहे हैं मुझे तो जो आदेश आप देंगे आज वो आदेश आज, आज आपके चरणों में मैं निवेदन कर दूंगा मैं गौ माता के नाम पे कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ जैसा भी आपका आदेश होगा वो कर सकता हूँ मैं ज़्यादा नहीं भूलूंगा मैं तो बस आपके दर्शन करने आया था मुझे पता लगा मेरे शुभचिंतक हैं उन्होंने मुझे बताया मुझे नहीं मालूम पड़ा था पर मुझे वो पता लगा मैं कहीं था और मैं सीधा यहाँ आ गया आपका आशीर्वाद मुझे मिला मैं धन्य हो गया और बस मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही चरागा गौ भूमि को गोचर भूमि को खाली करता हूँ और गौ माता को बचाने के लिए मेरा एक अंश भी मेरे जीवन की कमाई का अगर लगता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा हम जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए और दिल दिया है तो जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए भारत माता की और अब आंसू मैं क्योंकि यहाँ तो हम नहीं लाइव चला रही क्या पूरी दुनिया में पर गाय के लिए कोई काम हुई तो मैं आने जरूर क्या और सुनो और पाचे दान करियो और जो आचार संहिता है दूसरी घोषणा भी कर दी बिल्कुल जो महाराज आदेश करके जाएंगे मेरे कान में वो गौमाता के नाम पे हो जाएगा आज मैं घोषणा नहीं कर सकता इस मंच पे कुछ भी नहीं कर सकता आचार संहिता से बंधा हुआ हूँ और सबको पता है महाराज से तो अंतरियामी है आपको तो सब कुछ मालूम है पर जो आदेश होगा गौ माता के लिए वो आदेश सर्वोपरि ये मेरे सिर माथे पर आशीर्वाद टेलीफोन नंबर जरूर दे जाओ शिव नंबर वही दीजिए तो चालू हो एक बार जोरदार विधायक साहब के लिए भारत माता की भारत माता की हाँ नंबर दे जाना वह नंबर तो उठाओ जो ना, पार ना, पार ना। दीए। दीए। तो क्या बात है महाराज ये भी एक पूरी जनता मेरी बैठी है यहाँ आप पूछ लीजिए किसी ने मुझे रात को 12 बजे भी फोन किया है तो मैंने उसको फोन उठाया है उसका काम किया है कोई भी नहीं बोल सकता इतनी भरी सभा में और और दिन में भी मैं एक हजार फोन उठाता हूँ सुबह से लेकर रात तक इतने फोन करते हैं। फोन पे लोगों के काम करता हूँ अगर मैं कहीं हूँ फोन मेरा कहीं है फोन आया हो तो मैं गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले वापस उनको रिप्लाई करूंगा कोई भी नहीं बोल सकता इस बात के लिए इस पूरी पूरी सभा में पूरी पांडाल में मैं आप सबको बोल रहा हूँ एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे मुझे कि मैंने किसी का फोन रेस्पॉन्स नहीं किया हो अगर ऐसा है भाई किसनगढ़ की जनता ने मैं भी जाऊँ फोन नहीं उठाओ थे याने उठा लियो <laughs> इसलिए मैं भी, मैं भी वैसे ही हूँ मेरी मेरी जनता ही दल है मेरी जनता के दम पे लड़ता हूँ अभी भी पहले भी टिकट मेरी जनता ने दिया था इस बार भी जनता ने टिकट दिया मैं निर्दलीय विधायक हूँ और अब फिर निर्दलीय रह रहा हूँ क्या बात है ये तो और भी बात है वो बीच को गेलो है और आचार संहिता लगी हुई है और भुआ जी भी आशीर्वाद दे जल्दी हाँ महादेव कृपा <laughs> अच्छा अपने क्षेत्र में मेरे विधायक साहब से विशेष तौर से यह प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र में कोई भी गाय भूखी न रहे कोई भी गाय माता एक्सीडेंट से न मरे और कोई भी गौ माता प्यासी, प्यासी न मरे कोई गौ माता सर्दी में न मरे आपके क्षेत्र की गौ माता की जिम्मेदारी आपकी होगी इस इस बात का संकल्प होना चाहिए हमारे क्षेत्र में चाहे एम्बुलेंस की जरूरत पड़े चाहे गौ माता में मैं पिछले दिनों में इसलिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ लंपिक में गौ माताओं को मरते अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा और जब उनको भूमि संस्कार की जरूरत पड़ी तो हमें जैसी भी नहीं मिली तो मैं उन कुत्तों को नोचते हुए देखा जिसको मैं माँ कहता हूँ उनको कुत्ते नोच रहे हैं तो मेरी आत्मा हिल गई तो मैंने अभी जब पुष्कर आया था सत्संग में तब गोत जी ने कहा कि सत्संग करना है तो मेरे मन में यही संकल्प उठा कि मैं गहलोत जी के सत्संग में जाऊंगा तो मैं एक जेसीबी की व्यवस्था करूंगा और मुझे पता है कि किशनगढ़ में तो बड़ी, बड़ी बड़ी सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज या किशनगढ़ में है तो एक जेसीबी गौशाला के लिए हो जाए इसलिए मैं इस गहलोत जी के मंच पे आया हूँ और मुझे भरोसा है कि अगर गौ माता को समाधि देने की जरूरत पड़े तो वो एक जैसी भी कि की हमें व्यवस्था करनी है हर किशनगढ़ में क्या कमी है जो गाय के लिए हम दिल भी दे सकते हैं जान भी दे सकते हैं तो आगे मैं जब भी जोड़ी लेकर के जाऊंगा किशनगढ़ में तो मैं विधायक साहब के घर पहले जाऊंगा और सबसे पहले विधायक साहब के पास आऊंगा कैटा जे भी आ जाओ ये घर से आ सके बोला द्वारिका नाथ की पुष्कर राज तीर्थ की गो माता की तैयार होना गाय के लिए आप सब तो ताड़े बजाओ एक बार विधायक साहब के लिए और आओ अब थाने पर भरतरी की तरफ ले चलो मारो काम तो होगा थोड़ो थोड़ो बच्चे अब तो हा, हा, अच्छा चिंता है ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चल रहा है आपके आप क्षेत्र, आप क्षेत्र आप में और तीन चार, चार गौशालाएं भी है वो आपको सबको खबर है और वहां जब भी कोई बात की कमी हो तो हमारे विधायक साहब को टेलीफोन कर देना ये सदा आपके लिए तैयार रहेंगे आप इनके लिए तैयार रहना क्यों साहब थारा क्षेत्र में तो तीन चार ही है ना सरपंच साहब पता अच्छा थाने भी तो कहीं करणो है हाँ। सरपंच साहब भी तो कहीं करणो है ए विधायक साहब की तरफ भी इशारो करे जा रहा खुद भी करो ए तो ए तो, ए तो ए तो ये तो पूरा ही समर्पित होगा अब थे भी लोट हो जाओ हाँ, हाँ।, हाँ। क्योंकि आगे कदम बढ़ाना है ना भैंस को पूछड़ा पकड़ बाड़ा ने पहली कह दियो गई भैंस हाँ, हाँ, हाँ और गाय को पूतड़ो पकड़ला तो गाय पार उतार दे कि बेतरणी नदी पार उतार दे भवसागर पार उतार दे वो गौ माता के लिए जिसको तेजोजी महाराज भी गाय के लिए बलिदान कर दियो तो विधायक साहब दान कौन कर सकेगी देके, देके, देके। कर सके आड़े बजाओ जोरदार कर दिया सर आप मेरे आदरणीय 1008 महाराज श्री के मुंह से कब निकलेगा आपने जो मेरे लिए बोला है मैं चुनाव खत्म हो के होते ही दो चार पांच दिन बाद जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले आपके निवाई गौशाला में आऊंगा और फिर आपका आदेश लेके जो भी आदेश होगा वो करेंगे देखो ये ये महादेव की कृपा है ये जा रहा और मारा मनमु यान व गाय माता बोली अरे गियो विधायक बुला ये मेरे भाग्य ये मेरे भाग्य मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता पर आज आज आनंद आ गया आपको देख करके और आप ये जिए। जिए ये जनता ये प्रजा यही आपका धन है ये आपकी दौलत है और आप इनकी दौलत हो एक बार पुनः ताड़िया बजा करके अब मैं विदा करता हूँ विधायक साहब को